5 6 7 यहाँ पे प्रीसेट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड किया हूँ। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रीसेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इजीली, बिल्कुल फ्री में। आपको पासवर्ड नहीं है प्रीसेट में, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको प्रीसेट किस तरह से परफेक्ट तरीके से आपके फोटो पे काम करेगा ये चीज़ तो आपको मालूम नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, तब आपको समझ आ जाएगा कि प्रीसेट को अच्छे से कैसे अपने फ़ोटो में अप्लाई करना है। तो चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रीसेट को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया है, एंड उसके बाद कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके ज्योमेट्री और मास्किंग और हील को छोड़ देंगे, ठीक है, क्रोप क्रोप को भी छोड़ देंगे, एंड डन करेंगे। डन करने के बाद सिंपली मैं आऊँगा इस फोटो पे, ठीक है। इस फोटो में जब अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं कैसा काम करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्रीसेट काम कर चुका है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी और डिटेल और थोड़ा लाना चाहते हैं तो आप इजीली ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लैक को थोड़ा सा कम कर दूँगा और शेडो को भी कम कर दूँगा, ठीक है, और कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इस कलर ऑप्शन में आऊँगा, तो यहाँ पर मिक्स ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूँगा और इसको थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे प्रीसेट ये वाला वर्क कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले इसको ऑल रीसेट कर दूंगा, फिर बैक आऊँगा। बैक आने के बाद अब इस प्रीसेट को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद 3 डॉट पे आऊँगा, कॉपी सेटिंग कर लूँगा कुछ इस तरह से, एंड डन करके बैक आऊँगा। एंड बैक आने के बाद इस फोटो पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 डॉट पे आकर इस पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रीसेट की बहुत ही अच्छा से काम कर चुका है। उसके बाद इस प्रीसेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, बैक हो जा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले इस प्रीसेट को सेलेक्ट करते हैं, 3 डॉट पे आता हूँ एंड कॉपी सेटिंग करता हूँ, ठीक है, एंड डन करके बैक आऊँगा। उसके बाद इस फोटो पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से प्रीसेट वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए इस वाले ऑप्शन में आऊँगा और क्लैरिटी ऐड कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे प्रीसेट वर्क कर चुका है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। अब आपको इस प्रीसेट के 3 डॉट में आया, कॉपी सेटिंग किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस वाले फोटो पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग तरीके से यहाँ पे प्रीसेट काम कर चुका है। बट यहाँ पे मैं जब थोड़ा सा इसका सेटिंग इधर उधर करूँगा तो ये मतलब क्या बोलूँगा, इस कितना औसम लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो ये भी प्रीसेट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है गाइस, ठीक है। अब आते हैं इस वाले प्रीसेट पे, ठीक है। तो इस पे मैं आऊँगा, 3 डॉट पे कॉपी करके इसको जल्दी से मैं कर लेता हूँ, एंड उसके बाद इस वाले फोटो पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेहरा जो आप देख सकते हैं, या आई मीन फेस देख सकते हैं कैसा लग रहा है, तो इसको रिकवर करना है, ठीक है। तो इसको रिकवर करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन में आना है, और इसमें आपको कुछ इस तरह से, एंड देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लव यू एंड टेक केयर, बाय। और प्रीसेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। सो बाय।